छत्तीसगढ़ के सुकमा में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 350 जोड़े शादी के बंधन में बंधे। इस कार्यक्रम में उद्योग मंत्री कवासी लखमा और जनप्रतिनिधियों ने नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया। इस दौरान मंत्री लखमा का दिलचस्प अंदाज भी देखने को मिला। रिपोर्ट देखिए। सुकमा में सामाजिक समरसता को बढ़ावा देते हुए अलग अलग धर्मों के वर वधु एक ही परिसर में अपने अपने रीति रिवाजों के साथ शादी के पवित्र बंधन में बंधे। जिला प्रशासन और महिला बाल विकास विभाग के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 345 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। इन्हें गृहस्थ जीवन शुरू करने के लिए आवश्यक सामान भी दिए गए। इस कार्यक्रम में मंत्री कवासी लखमा ढोल बजाकर बाराती बने तो नव दंपतियों को आशीर्वाद भी दिया। मंत्री लखमा ने कहा कि विवाह में किसी प्रकार की कमी न हो, इसे देखते हुए राज्य सरकार ने इस योजना के तहत राशि 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दी है। हमारे पूरा प्रशासन, हमारे जनप्रतिनिधि, पत्रकार यहाँ शामिल हुए हैं। 350 के छोटा सा जिला में शादी हुआ है। मैं वर वधु को और उनके परिवार को माननीय भूपेश बघेल के संदेश और भूपेश बघेल के आशीर्वाद से ये 350 का शादी हुआ है। पिछले 15 साल में पिछले सरकार ने रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, 1500 रुपया देता था, 15,000 रुपया देते थे। आज हमारे सरकार ने भूपेश बघेल 25,000 रुपया बढ़ाया है, तो अनेक वर्गों को, हर अनेक जाति को आज मैं यहाँ मिला। कलार भी है, कुमार भी है, हमारा ओड़िया भी है, दुर्ला भी है, आदिवासी भी है। सभी जाति को, पिछड़ा वर्ग से लेकर अन्य जाति को, इस गरीब परिवार को शादी नहीं कर सकता, उनको सरकार ने मदद किया है, करते आ रहा है, अभी भी करेंगे। मैं ये दूल्हा दुल्हन को हमारे मुख्यमंत्री की तरफ से बधाई दिया हूँ, आशीर्वाद दिया हूँ। अच्छा पले अब माँ बाप को, परिवार को ठीक ठाक पले, यही आशीर्वाद देने आया हूँ। छत्तीसगढ़ सरकार आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की कन्याओं के विवाह में मदद के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना चला रही है, जिसके तहत 25,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। महिला बाल विकास विभाग कन्या विवाह योजना का संचालन करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।